प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैप्टन अमित अग्रवाल, एनसीसी आर्मी विंग में यहाँ कंपनी कमांडर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, जिसको पूरा भारत वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको एक नई दिशा दी, जहां एक और गांधी जी के नेतृत्व में नरम दल के लोग अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे, अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, इस देश से उनको भगाने के लिए कभी धरना, प्रदर्शन, रैली ये सब चल रही थी। वहीं ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ और उनका मानना था कि केवल शांति से इस देश से अंग्रेज नहीं जा सकते, इसके लिए एक क्रांति करनी पड़ेगी, तभी अंग्रेज इस देश को छोड़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने भारत में रहते हुए संघर्ष किया और भारत के बाहर जाकर के कई देशों में उनके राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क करके और समर्थन जुटाया और एक फौज का गठन किया, अपनी भारतीय फौज का गठन किया आजाद हिंद फौज के नाम से। और उन्होंने उस आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अंग्रेजों से जो अलग अलग राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनको मुक्त कराया, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है आज अगर हम इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारे इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, रसायन विज्ञान विभाग में टीचर हूँ। जी, प्रणाम। क्या है आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, एक हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रेरणा और गर्व की बात है। ऐसे नेता हमें मिले जिनकी वजह से हम सब कुछ खुशहाल हैं, देश प्रोग्रेस कर रहा है। वो ऐसे विलक्षण क्षमता के नेता जिनका कोई सानी नहीं है, वो बड़े के मतलब समानांतर में तो कोई, मैं अगर मेरी बात व्यक्तित करते तो मैं समानांतर को नेता नहीं मानता उनके बराबर। जो जहाँ भी खड़े होते थे भीड़ वहाँ उनके पास जुड़ जाती थी, इतनी बड़ी क्षमता उनके पास, जो बाहर जाके मतलब 60,000 लोगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके एक फौज बना लेना और ऐसा एक व्यवस्था मतलब फौज बना के देश के लिए लोगों के मतलब एक हलचल पैदा करना कि एक अंदर की भावना को लोगों की जो थी पनप रही थी देश स्वतंत्रता की, उसको इतना मजबूती देना कि लोग आगे बढ़े और देश स्वतंत्र कराया, उनका उनमें अहम योगदान है इसको सबका, जिसकी वजह से आज हम बड़े आसान और बड़े गर्व के साथ बड़ी सरलता के साथ जी रहे हैं। मैं क्रेडिट भावना आप सबको जानना चाहती हूँ कि आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। हमें पता है कि कितने महान व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारे देश की संविधान में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ऐसे ही इनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे दिलो दिमाग में इतना छाया हुआ है कि जब भी ये नारा आता है हमें सुभाष चंद्र बोस जी की याद दिलाता है। जय हिंद। मैं कैडेट प्रियांशु सरोटिया और आज 23 जनवरी जैसा कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम एनसीसी कैडेट्स में एक भावना भरने के लिए और जोश भरने के लिए सुभाष चंद्र जी के बारे में विस्तार से बताते हैं और एनसीसी शुरुआत से ही सेनानियों के बारे में विस्तार से बताती आई है ताकि युवा पीढ़ी जो भी हमारे देश के लिए हमारे सेनानी करके गए हैं उनको याद रखे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस।